बेटमा में बीती रात कचहरी घाटी के नीचे रहने वाले कोचिंग संचालक शिक्षक राकेश शर्मा और लीडिंग आर्टिस्ट लकी शर्मा के घर चोरों ने धावा बोला। छत से आए चोरों ने दरवाजे की चटकनी उतारकर घर में घुसे और नीचे वाले कमरे की अलमारी से 3 तोले का हार, सोने की अंगूठी, चांदी का ग्लास और नकदी रखे 25,000 रुपए पर हाथ साफ कर गए। रात को ही सोच जाने के लिए उठे शिक्षक शर्मा ने छत के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी तो आवाज लगाने लगे। तब तक चोर ऊपर से फरार हो चुके थे। गैलरी में चोरों के जूतों के निशान भी बने हुए हैं। संभवतः चोर पास के ही बन रहे मकान में से अंदर आए होंगे। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मैं कई के रात को मैं 3-3.5 बजे के आसपास उठा बाथरूम करने के लिए, तो बाथरूम करके जैसे मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि गैलरी में सबके अंदर आया होगा, ऐसा मुझे थोड़ा डाउट हुआ। ठीक है, फिर मैं अंदर आया तो वापस सो ही रहा था, इतने मुझे गेट की आवाज़ ऊपर छत की टावर की, तो वापस से देखा मैंने तो मुझे लगा कि ऊपर से भगकर गया है। तो मुझे जैसे ऐसा लगा मैंने बाहर के जोरों से आवाज़ लगी लोगों को, और मिसेस को कहा जाके देख नीचे कुछ हुआ तो नहीं। उन्होंने कहा नीचे गई तो उन्होंने वापस जैसी कंडीशन थी घर की उन्होंने वैसे ही करके वापस से वो करके चले गए थे। बाहर गेट का दरवाजा लगा हुआ था, इसलिए उसमें निकासी मिली नहीं, तो ये वापस छत पे गए, छत से ऊपर की ओर से ये पीछे की साइड से जिससे मंजर कूद कर वो होता है। सामान क्या क्या गए? सामान में एक हार गया है करीब 3 तोले के आसपास का है, और एक चांदी का गिलास है, कुछ सिक्के हैं और एक सोने की अंगूठी, कुछ पैसे और पैसे करीब करीब 25,000 के आसपास पैसे गए। आपका नाम? राकेश शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।